Hello everyone, I welcome you all to Unacademy Studio Rise, which is again India's largest platform for UPSC preparation. So, aaj jo topic hai, kafi important topic hai, we all are aware ki jo hamare Prime Minister hai, wo 2 days ke visit ke liye Russia gaye hai. Aur yahan pe ek bahut important topic hai, jo arise bhi ho raha hai, aur kai sare is par articles bhi hai, kai sare isse issues bhi related hai. Aur ye topic hai ki jo ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है, क्या इंडिया के लिए वो मैटर करता है, और अगर मैटर करता है तो कैसे मैटर करता है, क्या ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम इंडिया को हेल्प कर सकता है, जिसको यूज़ करके इंडिया रशिया के साथ एक अच्छा इकोनॉमिक रिलेशन डेवलप कर सकता है कि नहीं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है. तो यहाँ पे इस सेशन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमें जाननी है वो ये जाननी है, पहली चीज़ कि ये जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है वो क्या है. इसके बारे में इन जर्नल अगर आप देखो तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, बेसिक्स जो इस फोरम से रिलेटेड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं और पूछा जा सकता है. दूसरी चीज़ क्या है कि फार ईस्ट रीजन ऑफ रशिया, ये भी आपने आर्टिकल में कई बार देखा भी होगा और कई बार न्यूज़ में भी सुना होगा, फार ईस्ट रीजन ऑफ रशिया. तो फार ईस्ट रीजन ऑफ रशिया क्या है और ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम क्या है, दोनों चीज़ें जाननी है. और इंडिया इस रीजन में, जिसे हम फार ईस्ट रीजन ऑफ रशिया कह रहे हैं, ये रीजन इंडिया के लिए क्या कोई इंपॉर्टेंस रखता है वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. और ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम और फार ईस्ट रीजन ऑफ रशिया, इनके बीच में क्या डिफरेंस है. तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. दिस टॉपिक इज अगेन रिलेटेड विथ योर पेपर टू, जीएस पेपर टू, जो आपका इंटरनेशनल सेक्शन है, इंटरनेशनल रिलेशन का जो सेक्शन है उसके अंडर क्वेश्चन आपका फ्रेम हो सकता है. So this session is presented by me. My name is Saurabh Pandey. I have 5 years teaching experience, worked as a senior UPSC faculty in online platforms, qualified exams like National Eligibility Test and Junior Research Fellowship, did MA in Public Administration, BTech in Biotechnology, gave UPSC interview plus 3 IAS mains and RS mains. So before I start, let me tell you in brief about our Plus platform. Agar aap UPSC ki preparation kar rahe hain to aap hamare Plus platform ka use zarur karein. Ek bar aap zarur aayein aur dekhein, kyunki abhi 7 days ka trial period bhi chal raha hai, to aap free mein aa sakte hain. एकेडमी ऐप को डाउनलोड करो और क्लासेस देखो किस तरीके से क्लासेस होती हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी जो क्लासेस होती हैं वो लाइव क्लासेस होती हैं और उसकी आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल होती है अगर आपसे कोई क्लास मिस हो जाती है. तो यहाँ पे एक चीज़ और भी ध्यान रखना है, इंडिया के 80+ टॉप एजुकेटर्स उनके द्वारा कोर्सेस कराए जाते हैं और अलग अलग, चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड कोर्स हो, ज्योग्राफी से रिलेटेड कोर्स हो, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड कोर्स हो, साइंस एंड टेक से रिलेटेड कोर्स हो, मतलब जीएस पेपर 1, 2, 3 और 4 ऑप्शनल आपके जो सब्जेक्ट्स हैं या फिर जो एसए के पेपर हैं, ये सारे कोर्सेज से रिलेटेड, इन सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं उनकी लाइव क्लासेस होती हैं. तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, एटलीस्ट जो ट्रायल पीरियड है उसका आप बेनिफिट उठाओ और क्लासेस अटेंड करो. देखो कि किस टाइप से क्लासेस होती हैं, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही, ये चीज़ें आप देख सकते हैं और खुद डिसीजन ले सकते हैं. तो जैसे मैंने आपको कहा कि 80+ इंडिया के टॉप एजुकेटर्स उनके द्वारा लाइव क्लासेस कराई जाती हैं. मेरा भी कोर्स चल रहा है, सितंबर 2 से कोर्स शुरू हुआ है और यहां पे जो करंट अफेयर है मार्च 2018 से लेकर 2020 तक, इन पैरेलल अप्रैल 30th तक ये कोर्स चलेगा, अप्रैल 30th 2020 तक ये कोर्स चलेगा. और ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है और ये कोर्स आपको हेल्प करेगा कि 2 ईयर्स का जो पूरा करंट अफेयर्स है वो आपका कवर हो जाएगा और आपको और कहीं से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. और ऐसे टॉपिक्स, क्योंकि करंट अफेयर्स का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप इंफॉर्मेशन जो है वो थोड़ा सा इधर उधर सर्च करो, करंट अफेयर्स एक तरीके से आपको एक थीम देता है और उससे जो बेसिक स्टैटिक पोर्शन में क्या क्वेश्चंस डिराइव होते हैं वो जानना जरूरी है. जैसे इन जर्नल कई सारे आज भी हमने टॉपिक डिस्कस किए और बहुत से ऐसे टॉपिक्स होते हैं, जैसे अगर आप एक सिंपल सा टॉपिक लें, अटलांटिफिकेशन क्या है, हॉट हाउस अर्थ का कंसेप्ट क्या है, डेड जोन क्या है, टॉपिक्स यूपीएससी ने पूछे हुए हैं. और ऐसे जो टॉपिक्स हैं ये टॉपिक्स बेसिकली करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं, बट इन जनरल जब हम करंट अफेयर्स को राइट अप्रोच से नहीं पढ़ते हैं तो ये टॉपिक्स हमसे मिस हो जाते हैं. तो ऐसे अराउंड 500 टॉपिक्स आपके कवर किए जाएंगे जो आपके लास्ट 2 ईयर्स में थे, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इनको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना. 11 AM को आपकी क्लास होगी तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं. तो जैसे मैंने आपको कहा कि जो 7 डेज का ट्रायल पीरियड है आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं. आपको अनअकैडमी जो ऐप है उसको डाउनलोड करना है या अनअकैडमी प्लस वेबसाइट पर जाना है और अनलॉक कर सकते हैं 7 डेज फ्री ट्रायल. तो अगर आप कल से करते हैं, अगर आप कल की क्लास अटेंड करते हैं मेरी 11 AM की अनअकैडमी प्लस में, तो फिर कमिंग जो आपके कमिंग 7 डेज होंगे उसमें आप फ्री में क्लासेस कर सकते हैं. जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें टेस्ट सीरीज़ भी इंक्लूडेड होती है. इसमें ऐसा नहीं कि टेस्ट सीरीज़ आपको अलग से करनी है.
नए नए कोर्सेज आपके आते रहते हैं, ये भी आपको समझना है। नए कोर्सेज चाहे वो ऑप्शनल से रिलेटेड हो या सब्जेक्ट है अलग अलग, उनसे रिलेटेड नए कोर्सेज हर महीने आते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके माइंड में कि आपको ज्वाइन कैसे करना है, तो आप SPLIVE इस रेफरल कोड को यूज़ करो, SPLIVE रेफरल कोड यूज़ करना है, अप्लाई प्रेस करना है, तो 1 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है वो आप ले सकते हैं 35K। जैसे ही आप इस रेफरल कोड को यूज़ करेंगे द अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%, जो अमाउंट है दैट विल रिड्यूस बाय 10%। तो इसमें आप मेरा कोर्स तो कर ही सकते हैं, साथ में जो दूसरे एजुकेटर्स इंडिया के जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनके कोर्सेज भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरी जो आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन है वो इस अमाउंट में कवर होगी, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू का गाइडेंस हो, ऐसे पेपर हो, टेस्ट सीरीज हो, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस अमाउंट। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं और जो जॉब करते हैं वो 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, उन्हें वो भी क्या कर सकते हैं, SPLIVE रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं। और जैसे वो रेफरल कोड यूज़ करेंगे, अप्लाई प्रेस करेंगे, द अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%। और साथ में जैसे मैंने आपको कहा कि आप मेरे कोर्स तो कर ही सकते हैं, साथ में जो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं उनके भी कोर्सेज, मतलब पूरा यूपीएससी का जो प्रिपरेशन है और जितने भी कोर्सेज आएंगे 2 साल तक आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द रिकॉर्डेड क्लासेस। तो आप बिल्कुल भी मिस ना करें, एटलीस्ट जो ट्रायल पीरियड है ट्रायल पीरियड में जाओ, देखो कैसे क्लासेस होती हैं, टीचर से इंटरेक्ट करो, एजुकेटर से इंटरेक्ट करो और आपकी क्वेरीज जो है वो सॉल्व करो। 6-7 डेज तक क्लास करके आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए और फिर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं और उसके बाद आप SPLIVE रेफरल कोड यूज़ करके कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड डिस्कस द टॉपिक, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और मैं सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ जब भी आप अभी जैसे क्लास देख रहे हैं तो आप जो भी आपके नोट्स हैं वहाँ पे जहाँ भी आप नोट्स लिखते हैं तो वो भी आप मेंशन करते रहें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं उसको आप मेंशन करते रहो, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारा डिस्कशन है दैट इज़ रिलेटेड विद द रशिया, तो ये रशिया है। यहाँ पे आपकी जो कंट्री है वी कॉल इट एज मंगोलिया, कजाकिस्तान, यहाँ पे अगर आप देखो तो इस एरिया में ही आपकी यूक्रेन है। तो अगर यहाँ पे देखो दिस इज़ यूक्रेन, दिस इज़ कजाकिस्तान, दिस इज़ चाइना, दिस इज़ मंगोलिया, दिस इज़ अगेन फिर आपका जापान है। अगर आप इधर देखो तो ये जो रीज़न है दिस इज़ जापान। तो यहाँ पे आपको पॉइंट जो ध्यान रखना है वो ये है कि कौन सी कंट्रीज़ रशिया से बॉर्डर करती हैं, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि रशिया इन जनरल आपका न्यूज़ में है। दूसरी चीज़ है कुछ जो बेसिक आस्पेक्ट है, जैसे एक टॉपिक काफ़ी न्यूज़ में है दैट इज़ फार ईस्ट रीजन ऑफ रशिया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब व्हेन यू टॉक अबाउट द फार ईस्ट रीजन, तो ये जो पूरा एरिया है इस पूरे एरिया को भी कॉल इट एज फार ईस्टर्न रीजन ऑफ रशिया, ये पूरा एरिया फार ईस्टर्न रीजन ऑफ रशिया है। तो यहाँ पे जो हम अभी जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, वो बेसिकली किससे रिलेटेड है ये थोड़ा सा समझना है। तो बेसिकली अगर आप देखो ये फोरम क्यों क्रिएट किया गया है, ये फोरम क्रिएट भी इसलिए किया गया है जिससे कि इस रीजन का, रशिया के इस रीजन का डेवलपमेंट किया जा सके, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट किया जा सके इस पर्टिकुलर रीजन में और फिर इस रीजन का विकास किया जा सके। ये एक बेसिक पर्पज़ था ईस्टर्न, जो ये आपका फोरम है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का बेसिक पर्पज़ है। बेसिक फैक्ट और भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो व्हेन यू टॉक अबाउट फार ईस्टर्न रीजन ऑफ रशिया, जैसे ये पूरा जो पिक्चर आपको दिख रहा है दिस इज़ द फार ईस्टर्न रीजन ऑफ रशिया, और यहाँ पे कई चीज़ें जैसे यहाँ से आपका आर्कटिक सर्कल पास होकर जा रहा है, ठीक है, और जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ के इस पोर्शन में आपका ईस्ट साइबेरियन सी है, यहाँ पे अगर आप देखो लैप्टेव सी है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन से यहाँ फ्रेम हो सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो बैरिंग सी है, इधर अगर आप देखो दिस इज़ द बैरिंग सी, यहाँ पे बैरिंग सी लोकेटेड है, फिर यहाँ पे सी ऑफ ओखोत्स्क यहाँ पे लोकेटेड है, और यहाँ पास में ही दिस इज़ लेक बैकाल, ये जो लेक है इसका नाम बैकाल है। यहाँ पे ये जो सी है पूरा ये पैसिफिक ओशियन है, और यहाँ जो पूरा रीजन है दैट इज़ आर्टिक सी, अगर आप ऊपर जाते हो आर्टिक ओशियन है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स आपको ध्यान रखने, जैसे ये इस रीजन में ये लेना रिवर है या कॉलिमल जो रिवर है ना, उसके अलावा जो कंट्रीज जो मैंने आपको बताई हैं चाइना, मंगोलिया, कोरिया, या फिर अगर आप जापान की बात करें, यूक्रेन की बात करें, तो इनके लोकेशंस भी आपको पता होना चाहिए। तो ब्रीफ में ये ज्योग्राफी के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं क्योंकि ये पर्टिकुलर रीजन फार ईस्ट रीजन ऑफ जो रशिया है वो आपका न्यूज़ में है। इसके अलावा अगर आप देखो व्लडिवोस्टॉक ये लोकेटेड है, जहाँ पे आपकी ये फोरम सबमिट है, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम जो है वहाँ पे, यहीं पे हेल्ड होती है व्लडिवोस्टॉक। तो व्लडिवोस्टॉक कहाँ पे लोकेटेड है, फार ईस्टर्न रीजन ऑफ रशिया पे ही लोकेटेड, और यहाँ पे ये लोकेटेड है व्लडिवोस्टॉक, ये ध्यान रखना है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर गए हैं एज अ चीफ गेस्ट,
जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है उस जो कि आपकी कहाँ पे हो रही है, 4 से 6 सितंबर तक होगी, और व्लादिवोस्टोक यहाँ पे ये फोरम आपका इसके सबमिट हो रही है, ये जो फोरम फोरम की जो ये आपकी जो मीटिंग पॉइंट है इस समय व्लादिवोस्टोक में है, और यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर को एज ए चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए ये रीजन कहाँ पे लोकेटेड है, फार ईस्ट रीजन ऑफ रशिया, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि वेन यू टॉक अबाउट फार ईस्ट का मतलब क्या हुआ, इट इज़ द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ रशिया। दूसरा, कई सारे रीजन इसको जो है सराउंड करते हैं, कौन कौन से, चाइना, जापान, मंगोलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, नॉर्थ कोरिया। तो यूनाइटेड स्टेट्स आपका इधर है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपका यूएसए, और ये आपका, ये दिस इज यूएसए एंड दिस इज अगेन यू कैन सी दिस पर्टिकुलर रीजन, ये आपका रशिया है, दिस इज रशिया, और वो उस वहाँ पे अगर आप देखते हो तो वो आपका यूएसए। तो यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है जो थोड़ा सा आपको समझना है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि दो सीज भी इसको सराउंड करते हैं, एक आपका पैसिफिक है और एक आपका आर्टिक है। तो यहां पे अगर आप सीज देखो, दिस इज पैसिफिक एंड दिस इज आर्टिक, ये आपका आर्टिक ओशन है, और यहां पे अगर आप देखें तो दिस इज पैसिफिक ओशन, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगर आप देखें फार ईस्ट रीजन की अगर आप बात करो, तो यहां पे नेचुरल रिसोर्सेस हैं कई सारे, डायमंड्स हैं, बॉरेक्स मटेरियल है, 50 गोल्ड है, टंगस्टेन है, फिश और सी फूड है, इस ये सारे रिसोर्सेस है जो इस रीजन में आपके विजिबल है। दूसरी चीज अगर आप बात करो तो अराउंड अ थर्ड ऑफ ऑल कोल रिजर्व्स, जो कोल रिजर्व्स हैं वो आपके यहाँ पे है, हाइड्रो इंजीनियरिंग रिसोर्सेस यहाँ पे आपके प्रेजेंट है, और रशिया का 30% जो टोटल फॉरेस्ट है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये जो रीजन है फार ईस्टर्न रीजन, ये रशिया के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक रिसोर्स रिच रीजन है और यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया भी काफी प्रेजेंट है, 30% जो रशिया का फॉरेस्ट है वो इस रीजन में प्रेजेंट है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आस्पेक्ट है, दैट इज कि जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है, ये एस्टैब्लिश किया गया था 2015 में बाय व्लादिमीर पुतिन, उनके द्वारा ये एस्टैब्लिश किया गया था। तो किस ईयर में एस्टैब्लिश किया गया था, 2015 में, और इसका जो पर्पस था, ये अगर आप इसका पर्पस देखो, जो जो आपको फार ईस्टर्न रीजन है, जो फार ईस्टर्न रीजन है उसके डेवलपमेंट को किया जाए, और जो इन्वेस्टमेंट है इस रीजन में वो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट किया जाए, ये बेसिक पर्पस था इस फोरम का। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट जो ये है कि हर साल ये फोरम कहाँ पे होता है, ये मतलब समिट कहाँ पे होती है, व्लादिवोस्टोक। तो आपका जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है, इसकी जो मीटिंग आपकी कहाँ पे होती है, व्लादिवोस्टोक यहाँ पे होती है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, हर साल मीटिंग पॉइंट आपका व्लादिवोस्टोक में होती है। जैसे अभी 4 to 6 सितंबर तक की मीटिंग चल रही है, और इसके अंदर अलग अलग बिजनेस इवेंट्स, मतलब जो बिजनेस के लिए अलग अलग देश की जो कंपनीज़ हैं वो साथ में आके डिस्कस करती हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आके डिस्कस करते हैं, कई सारी जो वर्ल्ड इकोनॉमी के इश्यूज़ हैं वो डिस्कस होते हैं, रीजनल इंटीग्रेशन की बात चलती है, नई जो इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल सेक्टर है वहाँ पे डिस्कशन आपका होता है, और जो चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं रशिया के द्वारा या दूसरे देशों के द्वारा वो डिस्कस होते हैं इस फोरम के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। तो बहुत सारे राउंड टेबल सेशंस होते हैं, टेलीविजन डिबेट होती है, बिजनेस ब्रेकफास्ट डायलॉग्स होते हैं, बिजनेस डायलॉग्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी होती है। और कई सारे जो देश हैं, चाहे एशिया पैसिफिक के जो देश हैं, एशिया पैसिफिक के और एशियान के जो कंट्रीज़ के जो मेंबर्स हैं, एशियान के जो मेंबर्स हैं, जिसमें 10 मेंबर्स हैं आपके टोटल, एशिया पैसिफिक का मतलब होता है जैसे जो ईस्टर्न पोर्शन है इंडियन ओशियन का, प्लस वेस्टर्न पोर्शन आपका पैसिफिक ओशियन का, प्लस सेंट्रल पोर्शन ऑफ पैसिफिक ओशियन। तो ये पूरा रीजन हम एशिया पैसिफिक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ की जो कंट्रीज़ हैं उनको बुलाया जाता है, और वो कंट्रीज़ डिस्कस करती हैं, वहाँ की जो कंपनीज़ हैं वो आके आती हैं, और वो ये देखती हैं कि फार ईस्ट जो पार्ट है रशिया का, वहाँ पे कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है, उस पर वो फोकस करती हैं, और इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी सर्च करती हैं, और अलग अलग डिस्कशन होते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस फोरम के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर को एज ए चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। और ये जो फोरम है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, तो इसमें भारत ने भी बहुत इसको एम्फसाइज किया है, भारत ने इस चीज़ को भी कहा है कि देखो ये जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लास्ट 6 मंथ से ये सोच रहे हैं कि हम इस फोरम को अटेंड करें, जिससे कि हम अपॉर्चुनिटी देखें कि हम किस तरीके से एक इकोनॉमिक लिंकेज स्टैब्लिश कर सकते हैं इस पर्टिकुलर रीजन में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है जो कि इंडिया ने आपका हाईलाइट किया गया है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है,
जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर भारत के जिन्होंने रशिया के फार ईस्टर्न रीजन को विजिट किया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है ना। दूसरी जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इस ये जो आपकी सबमिट हुई है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की जो सबमिट हुई है इसी के साइडलाइन में रशिया और इंडिया की सबमिट भी साथ में हेल्ड हुई है और उसमें लगभग 15 डॉक्यूमेंट्स साइन किए गए हैं और साइन किए जा रहे हैं, मतलब इस पर भी डिस्कशन आपका हो रहा है। तो बहुत सारे एग्रीमेंट है, जैसे एक एग्रीमेंट है इसको बहुत ध्यान से समझना है, एग्रीमेंट ऑन रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट, शॉर्ट में हम कहते हैं ARLS। देखो एक एग्रीमेंट है जिसका नाम है लेमोया, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। ये जो अगर आप देखो लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ये लेमोया एग्रीमेंट बेसिकली इंडिया ने साइन किया था यूएसए के साथ, और इसमें क्या प्रोवाइड किया गया था मेनली ये था कि जो फैसिलिटीज हैं, जो मिलिट्री फैसिलिटीज हैं, दोनों देश एक दूसरे की एक्सेस कर सकते हैं फॉर रिफ्यूलिंग पर्पस एंड रिप्लेनिशमेंट पर्पस। तो जब भारत ने एग्रीमेंट साइन किया था तो ये एक मैसेज गया कि भारत का इंक्लिनेशन हो रहा है टूवर्ड्स यूएसए, तो इसको काउंटर करने के लिए भारत ने सिमिलर एग्रीमेंट रशिया के साथ भी साइन कर लिया है, एग्रीमेंट ऑन रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट। इस एग्रीमेंट के तहत अब क्या होगा, रशिया और इंडिया भी एक दूसरे के मिलिट्री फैसिलिटीज को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहां पे इंडिया ने जब ये कदम उठाया है तो बेसिकली ये जो एग्रीमेंट लेमोया है इसको एक तरीके से बैलेंस किया गया है बाय दिस एग्रीमेंट विच वी कॉल इट एज ARLS, जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो एक मैसेज जाएगा इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि भारत यूएसए को भी इंपॉर्टेंस दे रहा है तो भारत रशिया को भी इंपॉर्टेंस दे रहा है, ऐसा नहीं कि भारत पूरे तरीके से इंक्लाइन हो रहा है टूवर्ड्स यूएसए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हाईलाइट किया है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के साइडलाइन में, और इस चीज को उन्होंने कहा कि देखो ऐसा नहीं कि जब हम मिलिट्री एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं, और अगर हम कोई मिलिट्री, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जैसे असॉल्ट राइफल है, कई सारे जो हेलीकॉप्टर्स है वो भी हम लेने का कोशिश कर रहे हैं रशिया से, तो इसका ये मतलब नहीं कि जब हम मिलिट्री या डिफेंस रिलेशन की बात कर रहे हैं तो हम एक कस्टमर और सेलर की रिलेशन रखें। प्राइम मिनिस्टर ने हमारे कहा कि अगर रशिया हमें ट्रांसफ़र करेगा टेक्नोलॉजी तो वो क्या कर सकता है कि जो डिफेंस इक्विपमेंट है अगर वो ट्रांसफ़र करेगा टेक्नोलॉजी तो वो डिफेंस इक्विपमेंट भारत में आके भी प्रोड्यूस कर सकता है, और उससे क्या है कि उसका जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी काफ़ी कम होगी। तो यहाँ पे दोनों देश बेनिफिट इसमें होंगे, पहली चीज़ भारत को टेक्नोलॉजी भी मिलेगी, दूसरी चीज़ ये भी है कि जो एक प्रकार से जो इंडिया की इंडिजिनस डिफेंस से रिलेटेड इंडस्ट्री है वो भी डेवलप होगी, और कम अमाउंट में, कम रेट में आपको डिफेंस इक्विपमेंट भी भारत को सप्लाई हो जाएंगे। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज़ को भी हाईलाइट किया। इसके अलावा दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट है कि रशिया ने ये कहा कि जो गगनयान मिशन है जो कि दिसंबर 2021 में हमारा लॉन्च होगा और हमारा पहला मैंड मिशन है, और यहाँ पे हम 3 क्रू मेंबर्स को भेजेंगे, अर्थ की जो लो अर्थ ऑर्बिट है वहाँ पे हम इस पे 3 अपने क्रू मेंबर्स को भेजेंगे, तो जो एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे उनको ट्रेनिंग कैसी देनी चाहिए, तो रशिया ने कहा कि हम उनको ट्रेनिंग प्रॉपर प्रोवाइड करेंगे। और ये जो मिशन है ये GSLV Mark 3 जो हमारा लॉन्च व्हीकल है, इंडिजिनसली डेवलप्ड लॉन्च व्हीकल है GSLV Mark 3, जिसमें एक थर्ड स्टेज है उसकी क्रायोजेनिक, तो 3 स्टेज होती है, ये फोर्थ जनरेशन लॉन्च व्हीकल है GSLV की अगर आप बात करो तो फोर्थ जनरेशन लॉन्च व्हीकल है। और दूसरा क्या है, ये इस पे 3 स्टेजेस होती हैं और एक स्टेज इसमें क्या है क्रायोजेनिक की है, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में क्या होता है, ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन है ये बेसिकली बहुत लो टेम्परेचर में रखे जाते हैं, जैसे -180 डिग्री -250 डिग्री। तो बेसिकली रशिया ने हमारे इस मैन मिशन पे भी हमें हेल्प करने की बात की है इस फोरम के साइडलाइन में जो इंडिया रशिया की सबमिट हुई है, तो ये पॉइंट भी आपको काफ़ी ध्यान रखना है, ये भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। दूसरी चीज़ हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है ये बेसिकली ऐसा नहीं कि हम इस पे सिर्फ अपने व्यूज़ एक्सचेंज कर रहे हैं, ये फोरम एक ऐसा फोरम है जिसमें हम खुद जुड़ना चाह रहे थे और इसके लिए हम काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। जैसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हाईलाइट की गई कि जैसे रशिया के फार ईस्ट रीजन से जो डेलीगेशन है उसने इंडिया विजिट किया, इंडिया के चीफ मिनिस्टर बिजनेसमैन उन्होंने फार ईस्ट रीजन को मतलब उस रीजन को विजिट किया, तो ये क्या है कि भारत के लोग, जो भारत की बिजनेस कम्युनिटी है, भारत के पॉलिटिशियंस हैं, वो फार ईस्ट रीजन ऑफ रशिया को एक तरीके से उससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और फार ईस्ट रीजन के जो बिजनेस कम्युनिटी है और पॉलिटिशियंस है वो इंडिया से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जैसे हमने कहा कि फार ईस्ट रीजन में जो मिनरल्स हैं काफ़ी सारे प्रेजेंट्स हैं, काफ़ी रिसोर्स रिच रीजन है ये, तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है ये रीजन कि जो कि हेल्प कर सकता है इंडिया को डेवलप करना उसका जो इकोनॉमिक रिलेशन है रशिया के साथ। तो एक बेटर इकोनॉमिक रिलेशन डेवलप हो इंडिया और रशिया के बीच, इसमें ये फार ईस्ट रीजन काफ़ी हेल्प कर सकता है, इस चीज़ पर भी काफ़ी हाईलाइट किया गया है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि जैसे ये मिनरल रिच रीजन है तो हमारी जो कंपनीज़ हैं वहाँ जाके इन्वेस्ट कर सकती हैं, ये चीज़ है। जैसे एक मिनरल रिच रीजन है और यहाँ पे हम इन्वेस्ट करेंगे और यहाँ पे हमें कोई ऐसा कंपटीशन भी वेस्टर्न फर्म से कोई फेस नहीं करना पड़ेगा, तो वहाँ पे इंडियन कंपनीज़ के पास बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है जिस वजह से वो उस रीजन पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उस रीजन के डेवलपमेंट में भी हम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं क्योंकि वो रीजन एक स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन है, मतलब वहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, लेबर्स की कमी है, तो हमारे देश से भी लोग जा सकते हैं एज अ लेबर, वहाँ काम कर सकते हैं और जो कि अगेन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं उस पूरे रीजन के डेवलपमेंट के लिए। तो अगर आप ओवरऑल देखो कि ये जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है, ये ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम और जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर को एज ए चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया, तो इसमें बहुत सारे आपके इसके साइडलाइन में जितने भी टॉक्स हुई थी साइडलाइन में इंडिया रशिया समिट के अंदर, इकोनॉमिक ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के साइडलाइन में जो ये इंडिया रशिया समिट हुई थी, तो वहाँ पे लगभग 15 एग्रीमेंट्स साइन हुए अलग अलग एरिया से। दूसरी चीज़ ये भी कहा गया भारत के द्वारा कि ये फोरम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फोरम लिंक्ड है फार ईस्टर्न रीजन ऑफ रशिया से, और इस रीजन के डेवलपमेंट में हम भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, और ये जब होगा तो इससे इंडिया और रशिया का एक इकोनॉमिक रिलेशनशिप भी डेवलप होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि ये जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है वो काफ़ी मैटर करता है इंडिया के लिए, और ये फार ईस्ट रीजन है रशिया का वो भी काफ़ी मैटर करता है इंडिया के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। सो इस सेशन में इतना ही, आई होप ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। आपको ये रेफरल कोड अगेन यूज़ करना है और इसमें SP लाइव जो रेफरल कोड है इसमें आप मेरा कोर्स तो कर ही सकते हैं, साथ में जो आपका नया कोर्स शुरू होंगे उनको भी आप कर सकते हैं। मेरा कोर्स जो कल क्लास आपकी है, आपकी 11 AM से क्लास है, तो जैसे मैंने आपको कहा कि आपका फ्री ट्रायल पीरियड है तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको सिर्फ अनअकैडमी ऐप डाउनलोड, अनअकैडमी का जो ऐप है उसको डाउनलोड करना है या अनअकैडमी की वेबसाइट पर जाना है और जो फ्री ट्रायल पीरियड है इसको अनलॉक करना है, क्लासेस आपको अटेंड करनी है, एटलीस्ट 6-7 डेज क्लास अटेंड करके देखो। जैसे अगर आप कल से ज्वाइन करते हैं तो 7 डेज तक आपके लिए फ्री क्लासेस रहेंगे, आप क्लासेस करो और फिर डिसाइड करो कि क्या आपको करना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जो SP लाइव रेफरल कोड है, SP लाइव रेफरल कोड आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा और उसमें आप मेरा कोर्स भी कर पाएंगे और इंडिया के जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनके कोर्सेज भी कर सकते हैं और लाइव क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं। सो आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट कि आप लाइक जरूर करें, इट विल हार्डली टेक लेस देन 1 सेकेंड, शेयर भी जरूर करें और अनअकैडमी स्टूडियो राइस को भी जरूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट।